डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, भोले आतंकवाद और इन्फिल्ट्रेटर्स को दिया जा रहा है कड़ा जवाब, बचे हुए आतंकी भी होंगे जल्द खत्म। डीजीपी ने जिला पुलिस लाइन पुलवामा का दौरा किया, महिला पुलिस स्टेशन, जिम सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल और उपकरण केंद्र का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अब बिना काम नहीं मिलेगा वेतन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान के बाद पीएम पैकेज इम्प्लॉयज निकले सड़कों पर, बोले उपराज्यपाल से ये उम्मीद न थी। अलगावादी और आतंक समर्थकों को चेतावनी, एलजी मनोज सिन्हा बोले होगी कठोर कार्रवाई। कश्मीर घाटी में आज से शुरू हो गया है चिले कला, अब 40 दिन रहेगी कड़ाके की ठंड। शिवसेना देश भर में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण सुविधा की उपलब्धता की मांग करती हुई आई नजर, मेमोरेंडम किया सबमिट। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 12 घंटे के बाद आशंकित रूप से खोला गया। आयुष डिपार्टमेंट की ओर से आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का आयोजन पुरानी मंडी चौक में, लोगों ने उठाया फायदा। पीडीडी के पीडीएल और टीडीएल वर्कर्स के परमानेंट करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। रामबन पुलिस ने अनुमंडल बनिहाल के पुलिस जवानों को लेकर फायर अभ्यास की शुरुआत। राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में विस्फोट, एक शख्स हुआ घायल। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक खत्म, मांडवीय बोले कोरोना अभी गया नहीं। कोविड को लेकर सभी पक्ष अलर्ट रहे, भीड़ वाली जगह मास्क की सलाह, तीसरी खुराक अनिवार्य। चीन से तनातनी के बीच भारत ने तवांग में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पर दिया जोर, लगेंगे नए टॉवर। फर्जी खबरें फैला रहे 3 यूट्यूब चैनल्स का पर्दाफाश, सब्सक्राइबर्स की संख्या थी करीब 33 लाख। कोरोना से चिंतित केंद्र ने कहा, पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग करे राज्य। 2019-21 तक सीएपीएफ और असम राइफल्स के 173 जवानों ने गवाई जान, राज्यसभा में बोले गृह राज्य मंत्री। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा हुए बर्खास्त, नजम सेठी होंगे अगले प्रमुख।